नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ उपमा शर्मा। कल दूसरे चरण के मतदान होने वाले हैं और इस समय दूसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस बीच पोलिंग पार्टीज पोलिंग स्टेशंस के लिए रवाना हुई हैं और इसी बीच एक दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के दो अलग अलग हिस्सों में दो एक्सीडेंट्स हुए हैं और ये एक्सीडेंट्स पोलिंग पार्टीज के हुए हैं। काफी दुखद खबर इस समय की ये सामने आ रही है। आपको बता दूं कि एक एक्सीडेंट जिला रियासी में हुआ है और दूसरा एक्सीडेंट पुंछ में हुआ है और इन दोनों ही एक्सीडेंट्स में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो दोनों ही जगह पर पोलिंग पार्टीज थी जो रवाना हुई थी पोलिंग स्टेशंस को लेकर। और सबसे पहले बात करते हैं रियासी की, जहां पर ये दुखद सड़क हादसा पेश आया है। रियासी का माहौर ये इलाका है जहां पर एक पोलिंग पार्टी पोलिंग स्टेशन के लिए जा रही थी, तभी अचानक एक जगह पर पहुंचकर, माहौर का ये इलाका है तकसन जबारा, वहां पर पहुंचकर ये गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद ये सड़क हादसा पेश आया और इस सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई जबकि एक घायल बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुंछ के जुलासा इलाके में भी इसी तरह का एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक पोलिंग पार्टी जो कि पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रही थी उसकी गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हुई और यहां पर तीन लोग घायल हो गए। तीन लोगों के घायल होने की खबर इस समय सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में ये दो सड़क हादसे अब से कुछ समय पहले हुए हैं और इन दोनों ही सड़क हादसों में दो पोलिंग पार्टीज थी और जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है उसके अनुसार इन सड़क हादसों में दो लोगों की जान चली गई है जबकि चार अन्य घायल बताए जा रहे हैं। रियासी के सड़क हादसे की बात करें तो माहौर के तकसन जबारा इलाके में ये सड़क हादसा हुआ जिसमें एक सूमो जो पोलिंग पार्टी को लेकर जा रही थी वो सड़क हादसे का शिकार हुई और इसमें दो लोगों की जान चली गई है जबकि एक घायल बताया जा रहा है। और वहीं जो मृतक है इनकी पहचान एजाज खान के रूप में हुई है और जो दूसरा मृतक है उसकी पहचान जावेद अहमद के रूप में हुई है और ये खोड़ का रहने वाला है। और इसके अलावा एक व्यक्ति सड़क हादसे में घायल भी बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुंछ में जो सड़क हादसा पेश आया उसकी बात करें तो उसमें तीन लोग घायल हुए हैं और इन तीनों की पहचान अब्दुल मजीद, फजल अहमद और नवाज अहमद के रूप में हुई है। इन सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है। जहां एक तरफ इस समय जम्मू कश्मीर कल के मतदान के लिए तैयार हो रहा है, पोलिंग पार्टीज को रवाना किया गया है, वो अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर आ रही है और ऐसे में इस तरह की ये डिस्टर्बिंग न्यूज सामने आ रही है जिसमें दो लोगों की जान चली गई है और चार अन्य घायल हो गए हैं। दो अलग अलग जगह पर ये सड़क हादसे पेश आए। तो फिलहाल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ मुझे दीजिए इजाजत और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।